जागतिक पर्यावरण दिन के अवसर पे मैं सबको बधाई देता हूँ। और जो कार्यक्रम यहाँ लिया गया था बिल्डर एसोसिएशन और महाराष्ट्र शासन की तरफ से, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और पर्यावरण का समतोल रखने के लिए हर एक ने आगे आके काम करना चाहिए, यही हमारी सरकार से और सरकार की तरफ से विनती है। सर, बीजेपी का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर क्या ये अभी आज पर्यावरण दिन का कार्यक्रम था, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या मी मनपूर्वक महाराष्ट्रातल्या जनतेला शुभेच्छा देतो। आज महाराष्ट्र शासन आणि बिल्डर असोसिएशनच्या माध्यमातून जो कार्यक्रम होता त्याला देखील मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि प्रत्येकाने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे ही शासनाच्या वतीने विनंती करतो। बांबू जे म्हणजे ज्याच्यावर आपण प्रक्रिया करतो आणि बांबू उद्योग जो आहे त्याला उद्योगाचा दर्जा देण्यासंदर्भामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिलेले आहेत। आचारसंहिता संपल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल आणि एक फार मोठा बांबू उद्योग महाराष्ट्रामध्ये निर्माण केला जाईल। आणि ह्याच्यासाठी रिअल एस्टेट इंडस्ट्री जे आहे ते फारच प्रोग्राम करत आहे। 2050 पर्यंत नेट झिरो कार्बन बिल्डिंग बनवायची आम्ही ठरवलेले आहेत आणि आमचे जे 14,000+ मेंबर आहेत ते सगळ्यांना आम्ही एज्युकेशन आणि टूल्स हे देत आहेत, त्याच्याबरोबर ते हे नेट झिरोचं टार्गेट ते पूर्ण करणार। आणि एक आणखी बातम्या देतो आपल्याला, हा क्रेडायचा 25वा वर्ष आहे आणि ह्या वर्षात आम्ही एक ठरवलेलं आहे की आम्ही 50 लाख झाड पूर्ण इंडियामध्ये प्लांटेशन करणार आहोत। 5 मिलियन स्क्वेअर फीट जे कमर्शियल डेव्हलपमेंट करणार त्याच्यासाठी ग्रीन बिल्डिंग्सचे सर्टिफिकेशन घेऊ आणि आजपासून जेवढे मोठे प्रोजेक्ट आहेत ते सगळेच एन्व्हायरमेंट सर्टिफिकेशन करूनच पुढे वाढूया। हे सगळं केल्यानंतर माझं असं बोलणं आहे की रिअल एस्टेट जे आहे ते एकदम प्रोग्रेसिव्ह माइंडसेट करून पुढं चालतो आहे आणि इंडियामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल एस्टेट जे आहे तो इंडियाचं GDPचा बॅकबोन आहे आणि ह्याचं पर्यावरण जे इम्पॅक्ट होतं आहे त्या आपण समजून घेऊ आणि त्याला जे काय करायचं असेल ते आम्ही स्टडी करून पुढं चालताना करणार आहोत। थँक्यू। पर्यावरण पे संदेश यही है कि अगर पृथ्वी पे मानव जात अगर बचानी है तो हमको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अब सिर्फ दीवारों पे स्लोगन लिख के ये काम होने वाला नहीं है, तो जमीन में पौधे लगाना पड़ेगा तभी हो सकते हैं। 3 चीज़ें हमको बंद करनी पड़ेगी, एक तो कोयला जलाना, डीजल जलाना और पेट्रोल जलाना, और दूसरी तरफ में और एक चीज़ करना पड़ेगा वो तो पौधे लगाना। ये 4 चीज़ अगर हम करेंगे तो हमारी अगली नस्ल बचेगी, वरना हमारी नस्ल बचने वाली है नहीं। 2040 के बाद हमारा पृथ्वी पर रहना नामुमकिन होने वाला है। अगर उसको मुमकिन अगर करना है तो हमको आज से ही काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि हमको वृक्ष लगाना पड़ेगा। और वृक्ष में भी कौन सा लगाना पड़ेगा जो जिसकी ग्रोथ फास्ट है और जिसका यूज़ मल्टी है, मल्टी यूज़ और फास्टेस्ट ग्रोथ, ऐसा उसको चुनना पड़ेगा, ऐसा वैरायटी चुनना पड़ेगी। और उसमें सिर्फ बांबू है तो बांस से ही हम अब बचा सकते हैं, वरना हम बचने वाले नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन है। और आज पर्यावरण दुनिया में आज जो पर्यावरण दिन हम ये कर रहे हैं उसका आज मना रहे हैं, तो उसके मौके पे आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब हमको जैसा कि एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अभी कहा है कि क्विक एक्शन होना चाहिए। अब बात करने के दिन खत्म हो गए, एक्शन के दिन आए हैं, और एक्शन करेंगे तो ही हम बचेंगे, वरना बचेंगे नहीं। I mean, see, I don't want to give a message, but I want people, don't wait for anybody else. If you want to live a green life and a good life, we all have to start moving ahead and take the initiative ourselves. Government is doing his bit, but unless you don't do your bit, government will not succeed. So I tell you that you should grow more plants, grow bamboo, which is very good. It's an investment 1:5 times, is what I would say. So Credai MC is Mumbai, as we have connected, we want to work with the usage of more of bamboo material in our furnitures or our in works which we are carrying out, so that it gets, we don't cut a tree which has a life of 100 years,
but cut a tree which has a life of 3 years and you can replant it, it regrows within 3 years again. So it's like a more recycled material which you're talking about. Thank you.